जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में 2017 से लेकर 2021 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, इन 5 सालों में यूनिट 1 से कौन से क्वेश्चन आए थे। ये वीडियो कंप्लीट मेरे एक महीने के रिसर्च का रिजल्ट है। इस पूरे एक महीने में 2017 से लेकर 21 तक का जो भी पेपर आया था, बड़े डीपली स्टडी करने के बाद ऐसे 4 से 5 सवाल हैं जिससे 25 नंबर के सवाल आते हैं। जी आप शॉक हो जाएंगे देख के कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिससे 25 नंबर के सवाल आते हैं। यकीन मानिए इस वीडियो के अंदर आपके 25 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट का एक बार सिलेबस देख लीजिए, फिर हम 17 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो बीएड सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है आपको शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट स्टडीज। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नाम है शैक्षिक प्रशासन अर्थ और प्रकृति, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड नेचर। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, फिर चलते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे और देखते हैं कि यूनिट 1 से क्या आया था। तो इसके अंदर आपको जैसे पढ़ना था, मैंने बताया था आपके आपको इसके अंदर इसकी अर्थ, प्रकृति, प्रकार, इसके सिद्धांत और इसकी कार्यविधि पढ़नी थी। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो चलिए देखते हैं 2017 में यूनिट 1 से क्या क्वेश्चन आया था। तो 2017 में जो सेक्शन ए में सवाल पूछा गया था, वो एक सवाल एक नंबर का पूछा गया था। तो देखिए, सेक्शन ए में जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल आया था कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है। और तीसरा सवाल था कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य लिखिए, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट से आपको 3 नंबर का सेक्शन ए पूछा गया था, और सेक्शन बी में जो दो सवाल पूछे गए थे कि विद्यालय संगठन एवं शैक्षिक प्रबंधन में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। और जो अथवा में सवाल आया था, विद्यालय प्रबंध तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप तो सेक्शन सी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में आपसे क्या सवाल पूछा गया था, यूनिट वन में सेक्शन सी में जो आपसे सवाल पूछा गया था, डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्क्राइब देयर स्कोप इन डिटेल, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए तथा उनके क्षेत्रों को विस्तार से वर्णन कीजिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 नंबर सेक्शन ए में और 8 नंबर सेक्शन बी में और 15 नंबर सेक्शन सी में, यानी कि एक यूनिट से दोस्तों 11 और 15 26 नंबर के सवाल आए थे। और 26 नंबर में क्या आए थे, सेक्शन सी में वही उसकी परिभाषा और उसके स्कोप पूछे गए थे। हर साल इन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है, ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा और इसके क्षेत्र के बारे में। चलते हैं दोस्तों 2018 की तरफ। 2018 में देखिए कौन सा सवाल आपसे पूछा गया था, फिर से मैं देखिए 2018 में भी वही सवाल पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए सेक्शन ए में, और शैक्षिक प्रशासन के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। सेम वही सवाल रिपीट किया जा रहा है, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए और शैक्षिक प्रशासन के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब आइए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में पूछा गया था कि विद्यालय प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन के अंतर समझाइए, ठीक है। तो देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन, इसमें अंतर, इनकी समानता, इनका संबंध, ये एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए 2017 में इसका अंतर पूछा गया, सॉरी 2017 में संबंध पूछा गया था और इस बार इनमें अंतर पूछा जा रहा है। आइए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं कि यूनिट 1 से सेक्शन सी में क्या आया था दोस्तों। तो देखिए मैंने कहा ना, फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, 15 नंबर में 2018 में सेक्शन सी में पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए और शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। और एक और सवाल आपको मिला होगा, स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रशासन, ठीक है। तो ये चीजें अभी तक आपको मिली है। चलिए देखते हैं 2019 में क्या पूछा गया था। तो दोस्तों 2019 में भी वही सवाल पूछा गया था, सेक्शन ए में क्या पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा कीजिए, फिर से परिभाषा, फिर से क्षेत्र। और एक और सवाल आपका आया था पोस्ट कार्ब, देखिए POSDCURB, ये कुछ नहीं है, ये शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट कार्ब लिखा है। जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोस्ट कार्ब मतलब शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। और एक सवाल शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। तो 2019 में दोस्तों सेक्शन बी में जो सवाल पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल, सॉरी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में 8 नंबर में सवाल पूछा था, और जो अथवा में सवाल आया था, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों को वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत,
यही सवाल ही आने हैं फिर से, 8 नंबर में वही आ गया क्या, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों को वर्णन करिए, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, 2019 में आया था। अब आइए देखते हैं कि 2019 के सेक्शन सी में क्या सवाल आया था। दोस्तों 2019 के सी में जो सवाल आया था, मैं आपको क्या बताऊँ, फिर से वही सवाल है कि शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए फिर से वही बात है, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकृति और इनके सिद्धांत, इन्हीं में से सवाल पूछे जाने हैं। 2019 में आया था, 15 नंबर का ये सवाल था कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य एवं उपयोगिता का उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, 15 नंबर का सवाल। आसान से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, डोंट वरी, मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अब बात कर लेते हैं 2020 में। दोस्तों 2020 में क्या सवाल आया था, सेक्शन ए में 2020 में सवाल आया था, क्या बताएं आपको, बताइए प्रशासन की दो विशेषताएं, बताइए शैक्षिक प्रशासन की दो विशेषताएं, फिर से वही सवाल। और सेक्शन ए में जो दूसरा सवाल आया था, शैक्षिक प्रबंधन का महत्व बताइए, ठीक है। सेक्शन बी में जो आया था, 2020 की बात कर रहा हूं, तो 2020 में जो आपका सेक्शन बी में सवाल आया था, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका क्या है, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लोकल लेवल, ये आया था, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा सवाल आया था अथवा में जो पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन के दो मुख्य विशेषताएं बताइए, स्कूल प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसका अंतर, इसका संबंध, इसकी उपयोगिता, इसको मत, सारी चीजें पढ़ेंगे। बट आप सवाल देखिए कि पूछा क्या गया था कि विद्यालय प्रबंधन के दो मुख्य के मुख्य सिद्धांतों की वर्णन, इसी को पोस्टकार्व कहते हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन का जो वो सिद्धांत है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पोस्टकार्व कहते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो ये सवाल देखिए, पोस्टकार्व का सवाल इस बार 8 नंबर में पूछा गया था। 2020 के सेक्शन सी में देखिए क्या आया था कि शैक्षिक क्या है भाई, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन करिए, मतलब डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ स्कूल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, इसके क्षेत्र, इसके सिद्धांत, इसकी उपयोगिता, इसके उद्देश्य, इसकी प्रकृति, इसकी कार्यविधि और स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन, बस इनको पढ़ लेंगे ना, गारंटी मैं लिख के देता हूँ 25 नंबर कहीं नहीं गए आपको। क्या क्या, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिद्धांत, और बस एक चीज़ और, स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन के अंतर और जो भी इनका संबंध है, ठीक। तो देखिए सेम चीज़ें क्वेश्चन रिपीट हो जाए, मज़ा आ रहा होगा आपको, सेम चीज़ें क्वेश्चन रिपीट कर जा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिछले साल यानी कि 2021 में बीएड सेकेंड ईयर वालों के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से सवाल आए थे, आइए उसको देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी डिटेल्स आपसे बात करेंगे। तो जो 21 में जो सेक्शन ए में सवाल पूछा गया था वो क्या था, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करिए, फिर से वही सवाल, क्या है भाई, फिर से वही सवाल सेक्शन ए में कि शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। और सेक्शन ए में जो दूसरा सवाल था, शैक्षिक प्रबंधन का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, सेम चीज, ओके। सेक्शन बी में जो सवाल आया था दोस्तों, खत्म करते हैं इस वीडियो को, कि सेक्शन बी में 2021 में जो सवाल आया था यूनिट 1 से, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन करिए, फिर से वही बात आ गया, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, 8 नंबर में। जरा देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया था, 2021, 2019, 2018, 2017, इसके क्षेत्रों का वर्णन तो भाई करके आएंगे, ठीक है, जरूर करके आएंगे। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका, डिस्क्राइब द एजुकेशन रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लोकल लेवल, सेम चीज़ें क्वेश्चन रिपीट हो रही है। 2021 के सेक्शन सी में जो सवाल पूछा गया था दोस्तों, वो यूनिट 1 को मैं नहीं मानता, उसमें सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के की जो शैक्षिक प्रबंधन है उसके तत्वों को व्याख्या करना था, उसकी कार्यविधि समझानी थी, तो मैं इसको यूनिट 2 में रखता हूँ, ठीक है। तो यूनिट 2 में उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हाँ सेक्शन बी से, यूनिट 1 से इतने ही सवाल आए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा और इनके क्षेत्रों का वर्णन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा क्या पूछा गया था, इनके सिद्धांत, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शैक्षिक प्रशासन यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, स्कोप, इनके प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत और इनकी उपयोगिता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल जो रिपीट हुआ था, स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रशासन, इनके संबंध, इनके अंतर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लोकल लेवल पे मतलब स्थानीय स्तर पे क्या महत्व है, क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है शैक्षिक प्रशासन की। तो इन्हीं सारे सवालों को 2017 से लेकर 2021 तक रिपीट किया गया है, 2022 में भी इसी से सवाल आएगा और 25 नंबर तो कहीं नहीं गया। इसके आंसर्स क्या है वो भी, इसके भी वीडियोस मिलेंगे, इसकी आपको लिखना कैसे है, कितने पेजेस की लिखना है, ये भी वीडियो मिलेंगे।
अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि मजा आया कि नहीं, चीजें समझ में आएगी नहीं, कितनी बार बार सेम चीजों को रिपीट किया गया। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ये चीज जो भी रिसर्च है ना, वो बिल्कुल 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 100% फैक्ट है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको वहां से मिला जाएगा। देखिए, जब हम यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं, जब हम टुकड़े कर देते हैं, तो चीजों को पढ़ने में आसानी हो जाता है। तो यूनिट 1 कवर अप, इन अगर सारी चीजों को पढ़ लेंगे, शैक्षिक प्रशासन के बेसिक चीजें, तो 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया। आप समझिए कि हाफ ऑफ द पेपर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओके, यू नीड 26 मिनिमम मार्क टू गेट पासिंग मार्क, एंड डेफिनेटली इफ यू कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट, डेफिनेटली यू विल गेट 25 मार्क्स। एंड प्लीज स्टे विद मी, स्टे विद द चैनल्स, एंड डेफिनेटली इन दिस ईयर यू हैव टू गेट 90+%। So from my end, I'm really working on this, and from my end, I'll give my 100%, and I want you to give your 100% to achieve this 90+%, and damn sure you will do that. इसकी जो भी questions है ना, उसकी PDF बना के मैं अपने Telegram channel पे share कर देता हूँ, and I really hope that you have already joined that Telegram channels, and you haven't, do join. अगर आपने अभी तक सीरियसली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, जो भी PDFs होती है वो रिसेंटली मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपने देखा 2017 से लेकर 2021 तक क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मोस्टली शैक्षिक प्रशासन, इनके अर्थ प्रकृति विशेषताएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके क्षेत्र यानी कि इनके स्कोप्स के बारे में पढ़ना था। हर एक चीज को बेसिक वाइज क्लास 1 करके, फर्स्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन, इसकी अर्थ देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रकार देख लेंगे, थर्ड क्लास में इसके स्कोप्स देख लेंगे, और ऐसे कर करके फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट, जब तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, वी वॉन्ट मूव फर्दर, एंड डेफिनेटली विद इन अ वीक गाइज, एक हफ्ते के अंदर आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट, एंड आई रियली वॉन्ट यू टू स्टे विद माई चैनल। ओके, सो आई रियली होप दैट कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, मजा आएगा वीडियो देख के, पेपर समझ में आ गया होगा। जब पेपर समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, और हाँ, इस सर की बात जरूर मानना, ठीक है, मानना, जरूर मानना और जरूर मानना। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चैनल को लाइक करके, शेयर करके मेरा आप हौसला अफजाई कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली मोटिवेट मी इफ यू डू लाइक एंड इफ यू शेयर दिस वीडियो, डेफिनेटली आई विल बी मोटिवेटेड। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड रियली वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, बी कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल्स, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर, गुड नाइट।